हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वॉशिंग मशीन है, एलजी का वॉशिंग मशीन है। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए, एक आज सुबह उठी थी, पूरा स्मेल कर रहा था पूरा डाइनिंग हॉल में। फ्रेंड्स, मुझे इधर उधर बहुत जगह चारों ओर साफ़ किए सोफ़ा के नीचे सब, पर स्मेल इतना गंदा आ रहा था कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। फिर इसमें कपड़ा डालना है, देखिए यहाँ से स्मेल आ रही है, ऊपर की ओर देखे नहीं, नीचे की ओर साफ़ किए, कुछ भी नहीं निकला। तो मैंने, देखिए, इसका बैक साइड एक कवर रहता है, मैंने इसको खोलने की कोशिश की और स्क्रू से इसको खोल डाली मैं। तो वॉशिंग मशीन में यहाँ बैक साइड में इसका, देखिए, चदरे के कवर रहते हैं, इसमें दो नट्स थे तो उसको मैं खोल ली हूँ, ये दूसरा वाला भी। स्क्रू से इसको खोलने में, देखिए, आसानी से ये खुल गया, लेकिन अब इसको निकाले कैसे, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से लॉक था। तो मैं इसको, देखिए, बीच के हिस्से से इसको थोड़ी सी दबा के, देखिए, ऊपर से भी नीचे से लॉक होता है, तो इसको मैं, देखिए, नीचे से भी ऊपर की ओर ऐसे करके इसको डाल दिया, घुसा जाता है, घुसा दिया गया है। तो मैं इसको बीच से थोड़ी सी टेढ़ी इसको खींचने के बाद ये खुल गया, देखिए। तो ये जब ये खुल गया है तो देखिए, एक साइड से इसको थोड़ी सी निकालने के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ कि ये दोनों साइड से खुलने की कोशिश की, नहीं खुला, तब बीच से इसको मैं थोड़ी सी, यहाँ देखिए, बीच के हिस्से को निकालने की कोशिश की तो ये निकल गया और खुल गया, देखिए, गेट की तरह। उसके बाद यहाँ से बहुत ही गंदे स्मेल आ रही थी, तो मैंने कैमरा अंदर किया ये, और देखिए अंदर मुझे जो दिखा, ये अंदर एक प्लेट रहते हैं, उस प्लेट में, यहाँ देखिए, एक रेड दिखा चूहा, पता नहीं ये कैसे अंदर गया था, और ये देखिए यही स्मेल कर रहा था। तो इसको मैं एक डंडे की मदद से निकाली हूँ, देखिए अंदर जाके ये पता नहीं कैसे मर भी गया है। तो इसको मैं निकाल के बाहर निकाल दी हूँ, उसके बाद से इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दी, इसको भिगाना नहीं है, ड्राई कपड़े से इसको पोंछ लेना है, क्योंकि अंदर बहुत सी वायर है, देखिए, इसलिए इसको आप कभी भी गीले कपड़े से साफ ना करें या गीले से, क्योंकि वायर जो है, देखिए, बहुत सारे वायर हैं यहाँ ज्वाइन। तो ऐसे ड्राई कपड़े से इसको साफ़ कर दी, इसको रेड चूहे को बाहर निकाल दी हूँ, और बस इसका कवर फिर से इसको लगा दी हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से ये कर ली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही आप ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसको फिर मैं, देखिए, यहाँ ऐसे इसको डालना है दोनों साइड से। तो चलिए, कैमरा रख ली हूँ और इसको दिखा रही हूँ, ऐसे ही ऊपर नीचे की ओर घुसा दी हूँ। ऊपर की ओर घुसाने के लिए थोड़ी सी इसको प्रेस, हाथ से प्रेस की हूँ, उसके बाद देखिए अब इसमें नट्स डाल के अच्छे से इसको लॉक कर देना है, तो बंद हो गया है। फ्रेंड्स, ये कितने आसानी से हो गए। मैं कॉल करती सर्विस सेंटर, वहाँ से आदमी भेजते, लगभग 24 घंटे 48 घंटे में तो टाइम भी लगता, और उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि बहुत, जब चूहे कहीं मर जाते हैं उसके बाद बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है। अब पता नहीं वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे गया वो, और मैं इसको बंद कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से मैंने यह कर लिया है। आप सबके साथ भी ऐसी कभी प्रॉब्लम हो ज़रूर इसको करें। इसको नीचे की ओर खोलने के बाद बहुत सारी गंदगी भी रहते हैं, उसको भी आप साफ़ कर सकते हो, और इसका जो जाली जो अंदर के फिल्टर होते हैं उसको कैसे साफ़ करना है उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर।